हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जनरल नॉलेज जंक्शन पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट 10 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियोज़ रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आगा खां कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन 1 क्रिकेट, ऑप्शन 2 फुटबॉल, ऑप्शन 3 लॉन टेनिस या ऑप्शन 4 हॉकी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, हॉकी। आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? ऑप्शन 1 ब्लैक एंड येलो यानी काले और पीले, ऑप्शन 2 रेड एंड ग्रीन यानी लाल और हरे, ऑप्शन 3 येलो एंड वाइट यानी पीले और सफ़ेद, ऑप्शन 4 ग्रीन एंड ब्लू यानी हरे और नीले। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 है, ग्रीन एंड रेड। रेड और ग्रीन के बीच में एक कलर ब्लाइंड व्यक्ति विभेद नहीं कर पाता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है उनको। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कलर ब्लाइंड डिजीज एक जेनेटिक डिजीज़ है और ये जनरली मेल्स में होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू गेट कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस वाज। प्रथम भारतीय नागरिक जिसे कमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया कौन था? ऑप्शन 1 विजयपत सिंघानिया, ऑप्शन 2 जेआरडी टाटा, ऑप्शन 3 कैप्टन गोपीनाथ या ऑप्शन 4 विजय माल्या। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 है, जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें पायलट का लाइसेंस दिया गया था। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया वेयर। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन 1 ब्रिटिश, ऑप्शन 2 डच, ऑप्शन 3 फ्रेंच या ऑप्शन 4 पोर्चुगीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय में वास्को डी गामा थे जो कि 1498 में कैलिकट पहुँचे। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 2 अटर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, ऑप्शन 3 लॉ मिनिस्टर यानी विधि मंत्री, ऑप्शन 4 सॉलिसिटर जनरल यानी महान्यायिकर्ता। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 है, अटर्नी जनरल। अटर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को हमारे देश भारत का फर्स्ट लॉ ऑफिसर यानी कि सबसे उच्च विधि अधिकारी इन्हें माना जाता है। दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विधि अधिकारी यानी अटर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 76 के तहत होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत हम अटर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। तो अटर्नी जनरल की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत होती है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड ग्रुप ए बी हैज़। ए बी रक्त समूह में ऑप्शन 1 नो एंटीजन नहीं रहते, ऑप्शन 2 नो एंटीबॉडी नहीं रहते, ऑप्शन 3 नाइदर एंटीजन नॉर एंटीबॉडी, ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ऑप्शन 4 बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 है, नो एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए बी में ओनली एंटीजन पाए जाते हैं, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जोग फॉल्स इन कर्नाटका इज लोकेटेड ओवर विच रिवर। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन 1 कावेरी, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 सरस्वती या ऑप्शन 4 कृष्णा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 है, सरस्वती। इसे हम लोग सरावती भी बोलते हैं। जोग फॉल्स जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वो सरावती नदी पे स्थित है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। भारत किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? ऑप्शन 1 नेपाल, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 चाइना या ऑप्शन 4 बांग्लादेश।
दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ पड़ती है, ये लगभग 4096 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ भारत की। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच रिवर इज़ द टिहरी डैम बिल्ट? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन 1 अलकनंदा, ऑप्शन 2 भागीरथी, ऑप्शन 3 गंगा या ऑप्शन 4 हुगली। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 है भागीरथी। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है और टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भारत के उत्तराखंड राज्य में। चलिए दोस्तों हम लोग आज के सेशन के अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ पार्सेक किसकी मापन इकाई है? ऑप्शन 1 डेंसिटी ऑफ स्टार्स यानी तारों की सघनता, ऑप्शन 2 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यानी खगोलीय दूरी, ऑप्शन 3 ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज यानी खगोलीय पिंडों की चमक या ऑप्शन 4 और वाइटल वेलोसिटी ऑफ जायंट स्टार्स यानी विशालकाय तारकों का कक्षीय वेग। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर्स। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। दोस्तों आप लोगों को आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया इसे अपनी तरफ से एक लाइक कर दे तथा अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियोज़ रेगुलरली मिलती रहे। धन्यवाद। See you next time.